न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 14 अक्टूबर 2023 यानी शनिवार को साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को शुभ घटना नहीं माना गया है। ग्रहण काल में किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य की मनाही होती है। इस अवधि में मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 8:34 पर प्रारंभ होगा और देर रात 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषाचार्यों की गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण कुछ राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, तो कुछ राशियों को पॉजिटिव परिणाम भी मिलने की उम्मीद है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए साल का दूसरा सूर्य ग्रहण शुभ रहने वाला है। ग्रहण काल में आपको सुखद परिणाम मिल सकते हैं। करियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। मानसिक शांति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ हो सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस दौरान व्यवसाय करने वाले जातकों को मुनाफा हो सकता है। परिवार में अच्छा समय बिता पाएंगे आप। शत्रु हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन नतमस्तक होकर जाएंगे। तुला राशि। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण तुला राशि वालों को अच्छे परिणाम दे सकता है। इस दौरान समाज में आपका कद बढ़ेगा। कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। भाग्य का साथ मिलने से आपके अटके काम भी बन जाएंगे। व्यापारियों के लिए ये अवधि शुभ रहने वाली है। अब आती है बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ माना जा रहा है। ग्रहण के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये ग्रहण मिला जुला रहने वाला है। इस अवधि में जहां एक ओर आपके खर्चे में वृद्धि होगी तो वहीं दूसरी ओर धन लाभ भी हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा। इस अवधि में भूमि भवन या फिर वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं आप। तो ये थी वो राशियां जिन पर ये सूर्य ग्रहण अच्छा प्रभाव डालने वाला है। आप भी इस वीडियो पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे अंशिका शर्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।